नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी पर। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके बैंक के अकाउंट की स्टेटमेंट एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट है और ये आपको जगह जगह पर काम आता है। जैसे कि अगर आप लोन लेंगे तो भी आपकी स्टेटमेंट मांगेंगे, या फिर आप कोई भी चीज ईएमआई पे परचेज करते हैं, या और भी कई लीगल कामों में आपके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट आपको जरूरत पड़ती है। जी हाँ, अगर आपका भी अकाउंट एक्सिस बैंक में है तो आज आपको इस वीडियो को देखने से पता चल जाएगा कि एक्सिस बैंक में अपनी अकाउंट की स्टेटमेंट को बिना बैंक जाए ऑनलाइन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको एक्सिस बैंक में अकाउंट नहीं भी है तो भी निराश मत होइए, क्योंकि इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया कि अलग अलग बैंकों में अकाउंट स्टेटमेंट को ऑनलाइन डाउनलोड करने का क्या प्रोसीजर रहता है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए। फिलहाल जिन लोगों का एक्सिस बैंक में अकाउंट है वो इस वीडियो को साथ कंटिन्यू कीजिए और इस पूरी प्रोसेस को समझिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। सबसे पहले अपने इंटरनेट ब्राउजर को ओपन कीजिए, उसके बाद आपको ऊपर दिए गए एड्रेस बार में retail.axisbank.co.in वेबसाइट को फिल करके ओपन कर लेना है। दोस्तों, ये एक्सिस बैंक की इंटरनेट बैंकिंग के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से भी इसको कॉपी पेस्ट करके ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबसे पहले अपनी कस्टमर आईडी डालनी है, उसके बाद आपको पासवर्ड यहां पे डालना है, उसके बाद सिंपली आप लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए, अब आप अपने एक्सिस बैंक की इंटरनेट बैंकिंग की अकाउंट में लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर आपको ऊपर अकाउंट्स वाले बटन पे क्लिक करके ऑपरेटिव डिपॉजिट, आपको सारे अकाउंट यहाँ पे दिखेंगे। जिस भी अकाउंट की आपको स्टेटमेंट डाउनलोड करनी है उसी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे देखिए डिटेल स्टेटमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इस बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलता है कि आप ट्रांजेक्शन डेट के हिसाब से अपनी स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, यानी आप एक पर्टिकुलर डेट से लेके एक पर्टिकुलर डेट तक अपनी जो है स्टेटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप फॉर्म से लेके टू डेट डालेंगे, यानी कब से कब तक की आपको स्टेटमेंट चाहिए। उसके बाद डिस्प्ले फॉर्मेट में आप यहाँ पे देख क्लिक करेंगे तो बहुत सारे फॉर्मेट आ जाएंगे। आपको जिस भी फॉर्मेट में अपनी स्टेटमेंट चाहिए, यानी कि एक्सेल, पीडीएफ, उसी पर क्लिक करके आप नीचे गेट स्टेटमेंट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। देखिए, इस पर क्लिक करते ही साइड में नीचे आपकी जो अकाउंट स्टेटमेंट वो डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद साइड में आपको एक दूसरा ऑप्शन और मिलता है, अगर आपको लास्ट 1 मंथ, 2 मंथ या सिर्फ एक दिन की स्टेटमेंट चाहिए तो आप डायरेक्ट यहाँ से बिना डेट फीड किए भी यहाँ से सेलेक्ट करके अगेन आपको अपना डिस्प्ले फॉर्मेट यहाँ से सेलेक्ट करके गेट स्टेटमेंट करेंगे तो ये देखिए आपकी स्टेटमेंट यहाँ से भी डायरेक्ट आपको मिल जाएगी। उसके बाद सिंपली अपनी आईडी से लॉग आउट कर दीजिए। तो दोस्तों, ये थी वो छोटी सी प्रोसेस जिससे आप अपने अकाउंट स्टेटमेंट को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने एक्सिस बैंक की इंटरनेट बैंकिंग के लिए रजिस्टर नहीं किया हुआ था, उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।